शहर के बड़ा होने के साथ साथ बिल्डिंगें भी बड़ी होती जा रही और कपड़े कम होते जा रहे हैं। कोरियर अभी तक क्यों नहीं आया? तूने जितना मांगा था मैंने उतने ही दिए तुझे। 2 बजे तक आएगा बोला था, 4 बज रहे हैं अभी। कोरियर। कवर निकाल बे। अगर कवर निकालूंगा तो फट जाएगा, कवर डैमेज हो जाएगा तो करियर तबाह हो जाएगा। खुद ही निकाल लीजिए, कवर ले लीजिए, साइन कीजिए, टायर दीजिए, रिटर्न करना है। तेरे तो ये क्या है सर जी, परसों पेपर में आया वो आर्टिकल सही है? उस लड़की का रेप करने वाले एक्स एमएलए आप ही हैं। बहुत गलत बात है सर। ए बाबू, इसे मार दे। मुझे एक प्रॉब्लम है सर, मुझे गुस्सा नहीं आता। आप मुझे गुस्सा दिलाने की जितनी भी कोशिश कर लीजिए पर आप नाकाम हो जाएंगे। शायद आप मुझे मार डालोगे क्योंकि मैं ये फोटो लेके भागूंगा। मेरे मन को भाया, मैं फोटो लेके भागा। मैं सीधा सीधा दौड़ू फिर उल्टा उल्टा दौड़ू। इसे कहते हैं हर्ट रेस। ये है शाहरुख का स्टेप। अब देखो सलमान का एक्शन। ये है कट्टप्पा स्टाइल, बिना बोले अटैक। और ये मारी गुलाटी पकड़। और ये रहा जैकी चैन का जलवा। और इसे कहते हैं लैंडिंग, फिर ली पोजीशन और निकले सर पर। भाई कौन है वो? बाप रे, कुछ बोलने से पहले ही क्यों मार रहे हो यार? उसने मेरे भाई को जेल में डलवाया है। उसने डलवाया है ना? कुरियर तेरा था। पर किया तो उसने। तूने उसे काम पर रखा? मैंने कहा रखा, वो तो खुद ही ज्वाइन हो गया। तो इस सिटी में मत दिखना। किसी भी सिटी में नहीं दिखूंगा। वो बंगा राजा मिले तो कॉल करना। तो फिर गंदे दो। बाप रे, कॉल करना। चलो यहाँ से, चल 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 चल। चलिए सर, आपकी धुलाई करने आ रहे हैं। वो हो चुकी है। वो तो मुझे दिख रहा है, वो तो एक्स एमएलए का बैच था सर। तो अब कौन आ रहा है? ब्लैकमेल करने वाले का बैच। मेरा सामान कहाँ गया? अरे गंगा राजा, वो बंगा राजा मेरी बैंड बजा रहा है। अरे तेरी बैंड बजाने के लिए ही बंगा राजा को तेरे पास भेजा है, समझा क्या? ए, बंगा राजा के बारे में जानता नहीं है तू? अरे वो जहाँ भी जाता है उसके फोर्स की वजह से सामने वाले की बैंड बज जाती है, समझा क्या? अरे भाई पिछली बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। क्या रे कल्याणी, तुमने कहा था मेरे घर पे आ जाना। मैं घर पे गया तो घर पे ताला लगा था। पैसे देने के लिए मैं यहाँ आ गया। देखो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ तो थोड़ा बहुत काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना, समझ रही हो ना? क्या है? देखिए आपकी मौत आ रही है। बोले पेन किलर का तो पूरा कोर्स कर लिया लेकिन उससे कोई असर नहीं हुआ। अब ISI मार्क का दूसरा फोर्स यूज कर रहा हूँ। तो फिर तूने बदला लेने के लिए मेरे पास भेजा क्या? और नहीं तो क्या, रिकॉर्ड किए हुए मैच को मुझे दिखा दिखा के तूने मुझसे काफी पैसे ऐटे हैं। उसका हिसाब पूरा करना था इसलिए मैंने उसे भेज दिया है। तुझे किसी पे गुस्सा है तो तू भी उसको किसी और के पास भेज दे, वो तेरा बदला ले लेगा। अब मैं इसे किसके पास भेज? मैडम आप थोड़ा सा मिस कर गए, नहीं तो मिस इंडिया बन जाती। मुझे चार्ज करना छोड़ो और 500 का रिचार्ज करो। ठीक है मैडम। मैडम मैडम चेंज। हाँ।
मैं तो एड्रेस ढूंढ। ऑटो। अरे मैडम। अरे बस जा रही है, जल्दी करो। एक्सक्यूज मी। टिकट टिकट। मेरा बैग किसी ने काट दिया। बैग चोरी हो गया? नहीं, कटा हुआ है। स्टॉप द बस। चोरी कर लिया? नहीं, कट किया। अरे कैसा देश है ये अपना, नयनतारा और नमिता का मंदिर बनाने वाला अपना ये देश, ऑनलाइन फ्री वीडियोस देखने वाला अपना ये देश, आइटम सॉन्ग पर 100 रुपए खर्च करके मजे लेने वाला अपना ये देश, ऐसे ही देश में दिन दहाड़े एक खूबसूरत लड़की का फुल बस में बैग चोरी हो जाता है। कट किया है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे किसी की आंख से काजल चुरा लेना। और इस बस में जो शरीफ दिख रहे हैं, शायद उनमें से कोई ना कोई तो है जिसने चोरी की है, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। बताओ इनमें से तुम्हें किस में शक है? उसकी तो मेरे ऊपर ही है। बात हीरो जैसी कर रहे हो और काम चोरों जैसे। मुझे भी वैसा ही लग रहा है। मुझे मरने का मन कर रहा है। इतना बड़ा अपमान, जैसे कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया हो। बड़ी बड़ी बातें। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे? अबे पहले पर्स दे। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं दे रहा हूँ ना। ये लो रखो तुम्हारा बैग। चलो साइड, तो मुझे जाना है। इतनी जोर से क्यों मारा? अभी तो इन लोगों ने इतना मार दिया, फिर तुमने क्यों मारा? ये कट किया इसलिए और ये चुराने के लिए। लगता है यहाँ सब चोर ही भरे पड़े हुए हैं। वो देखो एक और चोर। चुप हो जाइए, मैं चोर नहीं हूँ। रंगा। अरे बंगा राजा। अच्छा हुआ तू मिल गया। तुझसे मिलके तो सालों हो गए यार। कैसा है तू? ये क्या देख रहा हूँ, तू तो एकदम चिकना हो गया है। हाँ यार, जस्ट अभी फेशियल हुआ मेरा। अच्छा तो वही पुराना धंधा चालू है तेरा? क्या करूँ यार, माँ बाप के नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, वही तो सीखा। अच्छा ये बता, महीने का कितना कमा लेता है? वो क्या है ना, ब्लेड का खर्च और पुलिस का कमीशन निकाल के करीब 50,000। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कमाता है। क्या है कि उन लोगों को टैक्स भरना पड़ता है और तुझे तो वो भी नहीं। नहीं मैं गिरूंगा नहीं, मुझे जाने दो। के डर से नहीं, भागने के डर से रोका। ए बस को पुलिस स्टेशन लेके चलो। चलो चलो। पैसे दीजिए। ओ सॉरी। मैं तो एड्रेस ढूंढ। अरे ओ मैडम, मुझे जाना है यार। क्या अर्जेंट है क्या भाई? बहुत ही अर्जेंट है। तो फिर ऐसा बोलो ना भाई। बाप रे, सॉरी, इतनी जोर से कोई मारता है क्या? अरे मैडम रुकिए, मेरे पैसे। हेलो। क्या बात है यार, तुम दोनों का चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे बरसों के बिछड़े में लवर्स मिल गए हो। हेलो, तुम लोग अपना प्यार का खेल बाद में खेलते रहना, पहले पैसे दो। सॉरी, I'm so sorry, मैं आपको चोर समझ बैठी। अरे अरे क्या कह रही हैं आप जैसी खूबसूरत लड़की का भी बैग चुराते हैं? गलत मत बोल यार, तुझे पता है ना चोर कभी लोगों को देखता नहीं है, उसकी नजर तो सिर्फ पर्स पर होती है ना। ओके यार, आज का कोटा पूरा हो गया, मैं चलता हूँ, तू संभाल ले। आपका फ्रेंड है क्या? हाँ बहुत ही पुराना फ्रेंड है। अरे मेरा पर्स चुरा के ले गया। कोई बात नहीं, उसमें ज्यादा पैसे नहीं थे। मैडम जरा ये एड्रेस बता सकती हैं? बताना क्या, मैं आपको छोड़ ही आती हूँ, चलिए। ये लीजिए, ये तो यही पर है। यही है ना? स्कूल में कंचे ले जाते हो? उसे मार बोला तो मुझे मारा, तुझे दिख नहीं रहा? हे भगवान, मुझे गुस्सा नहीं आता माँ जी, वो लोग गुस्से में हैं और इस तरह गुस्सा निकालने से उन्हें शांति मिलती है। मसाज कर रहा है क्या? सर के ऊपर मार।
एक छेद बना दिया। अबे कौन है मेरा नाम बंगा राजा है। नारद राव जी ने आपके पास जॉब के लिए भेजा था। मैं नहीं दूंगा। मैं भी नहीं करूंगा। जहाँ औरतों की और बच्चों की इज्जत नहीं होती वहाँ का पानी भी हराम है। चलिए माँ जी। तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आ रही है। सच में माँ जी? तो बाद में याद कर लीजिए, अभी चलते हैं। अबे नारद, तूने किसे भेजा? ये कैंडिडेट है या एक्सीडेंट?